हमने अभी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पेज नंबर 224 से स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो कि मेटलिक नेचर के होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन के अलावा हेडिंग में एक और चीज़ दी है, ऑक्सो आयन्स, जिसमें सबसे कॉमन आयन जो डिस्कस की जाती है उनमें से एक है डाइक्रोमेट आयन, दैट इज Cr2O72 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन, और एक जैसे है परमैंगनेट आयन, दैट इज MnO4 नेगेटिव। तो इन्हें कहते हैं ऑक्सो आयन्स, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, साथ में इन पे चार्ज भी है। दीज ऑक्साइड्स आर जनरली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। ऑल द मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फ्रॉम एमओ ऑक्साइड विच आर आयनिक। हाई टेम्परेचर का लगना ये बता रहा है कि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और स्कैंडियम एक एक्सेप्शन के रूप में आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि सभी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है, मगर स्कैंडियम की +3 थी। इसलिए बाकी मेटल जहाँ एमओ टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, वहाँ स्कैंडियम जो ऑक्साइड बनाता है वो बनाता है Sc2O3, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल होता है और उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कंपाउंड आयनिक है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है, आसानी से दो इलेक्ट्रॉन लूज किए जा सकते हैं, तो मेटल लूज करेगा, ऑक्सीजन लेगा, बॉन्ड आयनिक। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर दैट इज अटेंड फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। ये पॉइंट हो चुका है डिस्कस कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये जो ऑक्साइड बनाते हैं, इनकी जो हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनके ग्रुप नंबर के साथ मैच करती है। जैसे मैं दो एक्सट्रीम की बात कर लूँ, स्कैंडियम और मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्साइड Mn2S7 नेचर मिलता है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो स्कैंडियम का ग्रुप नंबर भी 3 होता है, और यहाँ जैसे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, तो इसका ग्रुप नंबर भी 7 है। पर ये ऑब्जर्वेशन से हमें स्कैंडियम से मैंगनीज तक देखने के लिए मिलता है। मैंगनीज के बाद आने वाले एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के साथ मैच नहीं करती। नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन अबाउ Fe2O3 या नोन, वो भी हाईएस्ट +3 तक जाती है, जैसे कि हम आयरन में देख रहे हैं। ऑक्सो आयन्स की बात करें थी, तो ऑक्सो आयन्स मैंने जो बनाई थी वो ऑक्सो एनायन्स थी। इसके अलावा ऑक्सो कैटायन्स भी होती हैं, जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं, जैसे VO बनाता है VO2 मोनो पॉजिटिव या VO2 पॉजिटिव, या टाइटेनियम बनाता है TiO2 पॉजिटिव, तो ये भी ऑक्सो आयन है, इन्हें ऑक्सो कैटायन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीज द आयनिक करेक्टर डिक्रीजेस। इन द केस ऑफ Mn, Mn2O7 इज ए कोवलेंट ग्रीन ऑयल, इट्स अ कोवलेंट ग्रीन ऑयल। मैंने पहले भी बात की आप लोगों से कि कलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, तो Mn2O7 एक मैंगनीज का ऑक्साइड जिसमें वो अपनी हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में है, वो ग्रीन कलर का ऑयल होता है। इवन Cr3 एंड V2O5 हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इन दीज हायर ऑक्साइड द एसिडिक करेक्टर इज प्री डोमिनेटिंग। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटिव ये बात की गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे हम क्रोमियम के ऑक्साइड उठाएं CrO, जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr2O3 जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cr2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या Cr3 जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जहाँ बॉन्ड आयनिक होता, हमने कहा था एमओ बॉन्ड जो है उसमें बॉन्ड आयनिक होगा, वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ में उसका एसिडिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता जाता है। तो इन सभी में सबसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो, क्योंकि यहाँ पर दिख रही है +6, यहाँ पर कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड होने से बॉन्ड वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली लो होगा। तो यहाँ हमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एसिडिक नेचर उतना ही बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर उतना ही बढ़ेगा, जबकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो जो कंपाउंड है वो ज़्यादा आयनिक साइड में जाएगा और ज़्यादा बेसिक साइड में जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट में वो एम्फोटेरिक नेचर दिखाएगा। दस Mn2O7 गिव HMnO4 एंड Cr3 गिव H2Cr4 एंड H2Cr2O7। V2O5 is however amphoteric in nature and mainly acidic and it gives VO43 negative as well as VO2 monopositive. अब अगर मैं किसी को कह रही हूँ
कि वो एसिडिक नेचर का है, जैसे Mn2O7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो एसिडिक नेचर का है, Cr(O3) वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक नेचर का है, और मैं V2O5 को कह रही हूँ वो एम्फोटेरिक नेचर का है। इनके एसिडिक नेचर को टेस्ट करने का तरीका होता है कि इनमें वाटर ऐड कर दिया जाए। अगर वाटर ऐड करने के बाद में ये एसिड बनाएंगे तो ये एसिडिक नेचर के होंगे, और अगर बेस बनाएंगे तो ये बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ पर आप लोग क्लियरली पढ़ रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंस देना कि Mn2O7 गिव्स HMnO4। कब देगा ये HMnO4? यदि इसमें आप पानी मिलाएंगे तो ये देगा HMnO4। वैसे ही अगर आप क्रोमियम ऑक्साइड जैसे Cr(O3) है, जब आप इसमें पानी मिलाएंगे तब देगा ये दो तरह के एसिड, पहला H2CrO4 और दूसरा H2Cr2O7। जब आपने पानी मिला या एसिड में चेंज हो गया, इट शोज दैट इट इज एसिडिक नेचर। और जहां तक इसकी आयंस बताई गई हैं कि अगर आप इसे एसिड से रिएक्ट करें तो भी ये रिएक्ट करेगा, बेस से रिएक्ट करें तो भी ये रिएक्ट करेगा, और आपको ये दो अलग अलग तरह के आयन देगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, एक देगा ये VO4 3 पो नेगेटिव और एक देगा ये VO2 मोनो पॉजिटिव। तो एक अगर दे रहा है VO4 3 नेगेटिव और एक ये दे रहा है VO2 मोनो पॉजिटिव, तो ये किस बात का रिप्लेसमेंट है कि ये जो चीज़ है ये बता रही है कि ये इंडिकेट कर रही है कि एम्फोटेरिक नेचर का है। क्योंकि एग्जाम्पल देख के अगर हम समझें, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सॉल्ट है NaCl, ये दो पार्ट से बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पार्ट किससे आया है? बेस से सॉल्ट में, और ये पार्ट जो है वो एसिड से आया हुआ है। हम जानते हैं ये बेस से आया है NaOH से और ये HCl से आया है। इसका मतलब अगर कोई बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो सॉल्ट में वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में रहता है। इसका मतलब यहाँ पे वो तब ये बनाएगा यदि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, बेस की तरह। और हमने ये देखा कि जो एनायनिक पार्ट है वो एसिड से आता है, इसका मतलब जब वो VO4 3 नेगेटिव बनाएगा तब वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह कर रहा होगा। कोई भी कंपाउंड अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एसिडिक या कोवेलेंट होता है, और लोअर स्टेट में आयनिक या बेसिक होता है। इन वैनेडियम जनरली देयर आर 3 ऑक्साइड्स, V2O3, V2O4 एंड V2O5। हम ये देख रहे हैं कि V2O3 में सबसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कैसा है? बेसिक। जैसे ही थोड़ी सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी 3 से 4, बेसिसिटी कम हो गई, और जैसे ही V2O5 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आया वो आ गया एम्फोटेरिक। हमने भी बात की एम्फोटेरिक वो जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी, अगर वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होगा तो बेस के साथ मिलके जो सॉल्ट बनाएगा उसमें एनायनिक पार्ट में होगा, और यदि वो बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करके जो सॉल्ट बनाएगा उसमें पॉजिटिव पार्ट के साथ में होगा। V2O4 डिसॉल्व इन एसिड गिव VO2 पॉजिटिव। अभी हमने बात की V2O4 में बेसिक नेचर होता है, और अभी हमने ये भी बात की कि यदि कोई बेस की तरह बिहेव करता है तो पॉजिटिव पार्ट बनाता है। तो यहाँ भी ये लिखा गया है कि जो V2O4 है जब इसको एसिड में डिसॉल्व करते हैं तो ये बेस की तरह काम करता है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उसमें इस पर पॉजिटिव पार्ट आएगा। सिमिलरली V2O5 रिएक्ट विद अल्कली एज वेल एज एसिड, यही बात दोहराई गई है कि वह एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा। जब वो V2O5 एसिड की तरह रिएक्ट करके बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो उसमें जो पार्ट होगा सॉल्ट का नेगेटिव के साथ में होगा, और यदि वो बेस की तरह रिएक्ट करके एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा तो जो उसका पार्ट होगा वो पॉजिटिव चार्ज के साथ में होगा, दैट इज VO4 3 नेगेटिव एज वेल एज VO2 मोनो पॉजिटिव। CrO बेसिक है, हमने बात की ये कैसा है, एम्फोटेरिक, और ये दोनों क्या है, एसिडिक। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की केमिस्ट्री, विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड K2Cr2O7। एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, मगर ये लेदर इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट होता है, और साथ में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी सारे एजो कंपाउंड बनाता है जिसका जिक्र यहाँ किया गया है। उसके बाद देखें तो डाइक्रोमेट को बनाया कैसे जाता है, डाइक्रोमेट को क्रोमेट आयन से बनाया जाता है, क्रोमेट आयन दैट इज Cr(O4 2 नेगेटिव। इसे हम चेंज करते हैं एसिड से ट्रीट करके डाइक्रोमेट आयन। डिटेल डिस्कशन में हमने बात की थी इंटरचेंजिंग आयन भी होती है, और यहाँ पे ये जहाँ येलो कलर की आयन होती है वहीं ये ऑरेंज कलर की आयन होती है।
इसे बनाने के लिए हम एक और लेते हैं क्रोमाइट, और दैट इज FeO.Cr2O3। तो ये जो क्रोमाइट और है, इससे पहले बनाई जाएगी क्रोमेट आयन, फिर क्रोमेट को चेंज कर दिया जाएगा डाइक्रोमेट आयन में। तो यहाँ पे इस प्रोसीजर में हम देख रहे हैं कि जो क्रोमाइट और है, दैट इज FeOCr2O3 है, हम कह सकते हैं Fe Cr2O4, इसे रिएक्शन कराई गई है सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जिसे हम रिएक्टिंग कह सकते हैं। तो जब इसकी रिएक्शन की जाती है सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये सबसे पहले चेंज होता है क्रोमेट में। क्रोमेट जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो ये चेंज होता है डाइक्रोमेट में, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव पार्ट है वो सोडियम के रूप में लिया है, तो ये एक्चुअली बनेगा पहले सोडियम क्रोमेट। फिर ये जो सोडियम क्रोमेट है वो चेंज हो जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट के रूप में, Na2Cr2O7। हम जो मेथड पढ़ रहे हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की कर रहे हैं। ये सोडियम डाइक्रोमेट पानी में सॉल्युबल होता है, मगर इससे कम सॉल्युबिलिटी पोटेशियम डाइक्रोमेट की होती है। इसका मतलब यदि मैं इसकी रिएक्शन KCl के साथ में करा दूं, तो इस सोडियम की जगह पोटेशियम ले लेगा, यहाँ बन जाएगा K2Cr2O7, जिसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होने से जो ये मदर सॉल्यूशन होता है जिसमें ये बनता है, अगर उसे ठंडा किया जाए तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स बाहर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले सोडियम क्रोमेट बनाए, सोडियम क्रोमेट का एसिडिक मीडियम से ट्रीटमेंट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाए, फिर नेक्स्ट पेज पे आए तो सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, द लेटर इज देयरफॉर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट विथ पोटेशियम क्लोराइड। ये बना, इसकी सॉल्युबिलिटी कम थी तो ये बाहर आ गया, किस फॉर्म में, ऑरेंज क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज क्रिस्टलाइज आउट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन आर इंटरकन्वर्टेबल्स, मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मैंने ली डाइक्रोमेट आयन और इस डाइक्रोमेट आयन का पीएच यदि मैंने 7 से ज्यादा कर दिया, तो फिलहाल रंग जो मेरे पास ऑरेंज कलर है, पीएच 7 से ज्यादा करते ही वो कलर ऑरेंज से येलो हो जाएगा, और येलो होने की वजह है क्रोमेट आयन का बनना, दैट इज Cr4O2-, जो कि येलो कलर की होती है। इसका मतलब बेसिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन इज चेंजेस टू क्रोमेट आयन। अब इसके लिए अगर आपको बेसिक मीडियम चाहिए, रिएक्शन यदि हम कंप्लीट करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 क्रोमियम है, मैंने यहाँ बैलेंस किया तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 8 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ 7 है, इसका मतलब OH में से एक ऑक्सीजन लिया गया है, तो क्या बच गया, H2। और यदि हम कह रहे हैं कि इंटरकन्वर्टिबल है, मतलब प्रोसेस दोनों साइड में चलती है, इसका मतलब यदि मैंने क्रोमेट लिया जिसके कारण सॉल्यूशन फिलहाल येलो है, और यदि मैंने पीएच 7 से कम कर दिया, तो मेरा सॉल्यूशन येलो से वापस ऑरेंज हो जाएगा। क्योंकि क्रोमेट आयन जो है वो वापस डाइक्रोमेट में चेंज हो चुकी होगी। अगर मैं एसिडिक मीडियम यूज कर रही हूँ रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए, वहाँ 2 क्रोमियम है या 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 ऑक्सीजन हो रहे हैं जबकि वहाँ 7 है, तो ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिल जाएगा और इस तरह बन जाएगा वाटर। इसका मतलब ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन जो होती है वो इंटरकन्वर्टेबल होती है, एक दूसरे में बदली जा सकती है। अगर इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स की होती हैं। सेंटर जो क्रोमियम है उसमें 2 ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज है और 2 डबल बॉन्डेड है। ये बात हुई थी कि ये इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये इंटरचेंज होते रहेंगे, कभी ये डबल होगा तो कभी ये डबल होगा, कभी ये दोनों डबल होंगे तो कभी ये दोनों डबल होगा, मतलब ये कह सकते हैं इसमें डबल और सिंगल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर है। इसका चारों बॉन्ड जो है इसके आइडेंटिकल माने जाते हैं, ये नहीं कहते कि क्रोमियम में 4 तरह के बॉन्ड है, यहाँ चारों बॉन्ड आइडेंटिकल माने जाएंगे। जहाँ तक डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ डाइक्रोमेट आयन में भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पर सेंटर क्रोमियम के बीच में भी एक ऑक्सीजन लिंकेज होता है और हम इसे नहीं शामिल करते हैं, पर ये मानते हैं कि एक क्रोमियम के पास में ये जो 3 बॉन्ड है और वो जो 3 बॉन्ड है वो आइडेंटिकल है,
ये सवाल काफी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा डायक्रोमेट आयन हो चाहे क्रोमेट आयन हो, अगर क्रोमेट आयन में बात करें तो चार ऑफ बॉन्ड आइडेंटिकल है, और डायक्रोमेट में बात की जाए तो छह बॉन्ड आइडेंटिकल है, मतलब हम ये जो बीच का बॉन्ड है इसे शामिल नहीं करेंगे। इसका एंगल जरूर याद रख सकते हैं, दैट इज 126 डिग्री, ये इसका एंगल है। सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में होते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तरह काम करेंगे। सोडियम डाइक्रोमेट को जहाँ पानी में आसानी से सॉल्युबल होने के कारण मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है, परंतु पोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जैसे हम टाइट्रेशन कहते हैं, जिसमें एक दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट की हमें मोलारिटी या नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है, वहाँ यूज़ किया जाता है, क्योंकि सोडियम डाइक्रोमेट कुछ हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो सकता है, और यदि वो डिकम्पोज हो गया तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं फाइंड आउट हो पाएगी, इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ज़्यादा यूज़ करते हैं, पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे काम आएंगे, जैसे हमने कहा था क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है, +2, +3, +6, पर ज़्यादा स्टेबल और +3 होता है, और क्रोमियम अपनी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो अगर हम डाइक्रोमेट आयन ले रहे, दैट इज Cr2O7 2-, जिसमें फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी +6 है, जिसमें वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम में चेंज होगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। यहाँ हमारे पास दो क्रोमियम हैं, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट साइड में दो हैं, तो प्रोडक्ट साइड में भी दो बनेंगे, और यदि हम डिफरेंस देखें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो अगर एक के लिए 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ दो क्रोमियम है, इस हिसाब से जो डिफरेंस आएगा वो 6 का आएगा, मतलब इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर इसे 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में करता है, इसलिए हमें यहाँ एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट भी होगी। ये एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और यहाँ पे मेरे पास 7 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वाटर फॉर्मेशन के लिए मुझे 14 हाइड्रोजन आयन लगेंगे, इस तरह मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा 7H2O। ये बता रहा है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ये 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए हम जो भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, चाहे हम आयोडाइड आयन यूज़ करें, या फिर सेकेंड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो H2S यूज़ किया गया है, या फेरस आयन यूज़ की गई है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगी, और डिटेल डिस्कशन में हम ये बात कर चुके हैं कि इनके साथ बेनिफिट ये होता है कि कुछ एक्सेप्शन छोड़ दिए जाएँ तो इनके बनने वाले प्रोडक्ट फिक्स होते हैं, जैसे आयोडाइड आयन ऑलवेज चेंज टू आयोडीन, H2S ऑलवेज चेंज टू सल्फर, एंड फेरस आयन इज ऑलवेज चेंज टू फेरिक। यहाँ पर नीचे हाफ रिएक्शन दी हुई है, इसे हम इस तरह बैलेंस कर सकते हैं, अगर इसे 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसे भी 6 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, एक आयोडाइड सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब 6 आयोडाइड आयन ही 6 इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, और क्योंकि यहाँ 6 हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। या सल्फर में आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 हो रही है, मतलब एक मॉलिक्यूल से आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब आपको 3 मॉलिक्यूल लगेंगे, इस तरह 3 सल्फर के एटम बनेंगे, और आप जानते हैं कि जो सल्फर निकलने के बाद जो हाइड्रोजन है वो नेसेंट ऑक्सीजन लेके वाटर में चेंज हो जाता है। इसके बाद में फिलहाल इसे हम एसिडिक मीडियम में 6H पॉजिटिव के रूप में शो किया गया। ये भी एक रिएक्शन है जिसमें +2 से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कर रहा है, इसका मतलब ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और अगर ये एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इसके 6 एटम लगेंगे। फिर इसकी अगली जो है वो नेट रिएक्शन बनाई गई है, जिसे हम इस तरह बना सकते हैं कि ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज Cr2O7 2-, जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसे इलेक्ट्रॉन देने का काम फिलहाल फेरस आयन कर रही है, जो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक में चेंज होने वाली है। ये क्रोमियम जो है रिड्यूस होकर +3 स्टेट बनाने वाला है, यहाँ 2 क्रोमियम है इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आयरन जो है अगर उसकी बात करें तो फिर वही बात, ये रहा क्रोमियम जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 कर रहा है, मतलब जो चेंज है वो 3 का है, मगर 2 क्रोमियम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 का है, मतलब हमें 6 की रिक्वायरमेंट है। एक आयरन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन देते नजर आ रहा है, क्योंकि वो फेरस से फेरिक में चेंज हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पर 6 आयरन के एटम की रिक्वायरमेंट होगी। 6 फेरस आयन मिलकर बनाएंगी 6 फेरिक आयन, इससे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ये 7 ऑक्सीजन को अगेन चाहिए 14 प्रोटॉन, इस तरह 7 में मिल जाएगा हमको 7H2O। इस तरह ये बन गई इसकी नेट रिएक्शन जो दी गई है। अब हम आते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की केमिस्ट्री में, जो कि एक पर्पल कलर का क्रिस्टल्स होता है।
इससे भी पहले मैंगनेट आयन बनाई जाएगी, इसके लिए ग्रीन कलर की मैंगनेट आयन बनाई जाएगी, दैट इज MnO42 नेगेटिव, और ये जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है जब फ्रॉम एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाती है तो ये बनाती है परमैंगनेट आयन, दैट इज MnO4 यूनि नेगेटिव, जो कि पर्पल कलर की होती है। यहाँ कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो यहाँ +6 है, जबकि यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है। अब ये कैसे बनेगी, तो इसके लिए एक और यूज़ किया जाता है, दैट इज पायरोल्यूसाइट और दैट इज MnO2। इस MnO2 की रिएक्शन या तो बेस या कार्बोनेट के साथ में कराते हैं, NCERT में बेस का जिक्र है, पर हमने अपनी स्टडी में देखा था इसकी जगह हम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। पहले बनाएगा ग्रीन कलर की मैंगनेट आयन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बनेगी परमैंगनेट आयन। अब चॉइस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो NCERT में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो जिक्र है वो पोटेशियम नाइट्रेट का है, कि हम पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ले सकते हैं। पर आप याद करें तो हमने अपने डिस्कशन में कहा था क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे सब्सटेंस भी हमने CO2 जो है वो भी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया था। ओवरऑल हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, पोटेशियम नाइट्रेट ले सकते हैं हम, क्लोरीन ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ओजोन ले सकते हैं, और साथ में हम CO2 गैस भी ले सकते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए सेल के अंदर तो एनोड पर भी ऑक्सीडेशन होता है। इन दोनों रिएक्शन में थोड़ा फर्क ये जाता है कि अगर हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें MnO4 नेगेटिव के साथ में MnO2 भी मिलेगा, जिसमें यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जिसे डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट दो में टूटती है, एक जो पहले से ज़्यादा है और एक जो पहले से कम है। इसे इस तरह भी बोला जाता है, एक एलिमेंट खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया और खुद ही रिड्यूस हो गया। हमने अल्टरनेट तरीका बताया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम मैग्नेट आयन लेते हैं तो वो एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडेशन से मिलती है हमको पर्पल कलर की पर मैग्नेट आयन, दैट इज MnO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देखा MnO2 जो है पायरोल्यूसाइट और उसकी रिएक्शन KOH या पोटेशियम कार्बोनेट से कराएंगे। रेफरेंस में KOH दिया है पर हम पोटेशियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके प्रेजेंस में जब रोस्टिंग कराई जाएगी तब बनेगी हमें ग्रीन कलर की मैग्नेट आयन मिलेगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम उसे परमैग्नेट में चेंज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, उससे भी हम मैग्नेट को परमैग्नेट में चेंज कर सकते हैं। ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और एक रिएक्शन दी गई है जो हमने डिस्कस की थी इससे पहले भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शन में, कि हम पर ऑक्सो डाई सल्फेट लें तो ऑक्सीडाइज वो जो है रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज होके सल्फेट बना देगा, जबकि हमारा मैंगनीज जो है वो जो है वो इन द लेबोरेटरी मैंगनीज सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज बाय पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। इस अगले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि लेबोरेटरी में कैसे मैंगनीज +2 को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है Mn+7 में। यहाँ पर हम रिएक्शन को इस तरह बना सकते हैं कि ये रहा मैंगनीज, और जो पहले भी हमने जिक्र किया है कि इस तरह के रेडॉक्स रिएक्शन में रिएक्शन याद करने से बेटर है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखना, थोड़ा उसका नेचर देखना। अब यहाँ पर यूज़ किया गया है पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन, दैट इज S2O8 नेगेटिव। यहाँ कैलकुलेट करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +7 है, और ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में काम कर रही है या न्यूट्रल, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ वाटर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराने वाले हैं, बनने वाले प्रोडक्ट की अगर हम इन्फॉर्मेशन रखें तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होके बना रहा है पर मैग्नेट आयन, दैट इज MnO4 नेगेटिव, और साथ में पर ऑक्सीडाई सल्फेट चेंज हो रहा है सल्फेट में। अब इस रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले दो सल्फर हैं, या तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर रिएक्टेंट के रूप में दो सल्फर है तो प्रोडक्ट के रूप में दो सल्फर बनेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वेरिएशन देखें तो यहाँ जो वेरिएशन आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है कि +2 से +7 में जा रहा है, मतलब यहाँ 5 का फर्क है कि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अगर सल्फर के रेफरेंस में देखा जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +7 थी,
और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स है, मतलब एक ही का फर्क है। अगर एक एटम के लिए एक का फर्क है तो सल्फर के दो एटम है, मतलब उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई पांच लूज करे और ये दो गेन करे। और जब दोनों तरफ इवन नंबर हो तब ये पॉसिबल होता है कि आप एक तरफ मल्टीप्लाई कर दें बराबर करने के लिए, पर एक तरफ जब इवन हो और एक तरफ ऑड नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल इन दोनों वैल्यूज को बराबर करने के लिए क्रिस क्रॉस किया जा सकता है। इसका मतलब इस दो को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस पांच को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों तरफ ये जो नंबर हैं वो बराबर हो गए 10। और ये ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये देखना ज़रूरी है कि एक रिड्यूसिंग एजेंट जितने इलेक्ट्रॉन देता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उतने ही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो पॉसिबल नहीं है कि एक ने पाँच दिए और दूसरे ने दो ही लिए। दोनों को बराबर करने के लिए उन्हें क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो स्टाइशोमेट्री में ही मल्टीप्लाई होती है, मतलब इसकी स्टाइशोमेट्री में हम पाँच मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और यही हम इसकी जो स्टाइशोमेट्री है उसमें दो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आती है, आयन एक्सचेंज मेथड होती है, एडॉक्स रिएक्शन एंड बैलेंसिंग की उसका ये पार्ट होता है। और अब बचे हमारे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं 40 और यहाँ 4 × 8 सल्फर, और अगर हम यहाँ बैलेंस करें तो अगर हम यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह हमने Mn+2 को ऑक्सीडाइज करके चेंज कर दिया परमैंगनेट आयन में, जबकि परऑक्सो डाई सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होके रिड्यूस होके बना दी है सल्फेट आयन। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रॉपर्टीज देखिए, डार्क पर्पल कलर का होता है, हमने बात की थी। इसकी ज्योमेट्री भी देखें तो ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ में होते हैं, चाहे हम MnO42 नेगेटिव की बात करें दैट इज़ अ मैंगनेट आयन, या MnO4 नेगेटिव की बात करें दैट इज़ परमैंगनेट आयन। तो देखिए दोनों ही टेट्राहेड्रल नेचर के हैं, बस एक में एक तरफ दो डबल बॉन्ड ओ के साथ में दो नेगेटिव आयन हैं, दूसरे वाले में तीन डबल बॉन्ड ओ के साथ में, बट स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी भी दिखा रहे, फर्क नहीं है ज़्यादा इनमें। ये ग्रीन कलर और ये पर्पल कलर। थर्मली अनस्टेबल होता है, पोटेशियम परमैंगनेट टूट के पोटेशियम मैंगनेट बना देता है। इट हैज टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट, एक तो इसका इंटेंस कलर और ये वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरा। इसमें पैरामैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और टेम्परेचर के साथ वो वैरी भी करता है, जो कि MOT का पार्ट है कुछ ऐसा जो इस हमारे सिलेबस के बाहर का पार्ट है, इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे इतना याद रखना है कि इसका कलर डार्क होता है और ये वीक पैरामैग्नेटिक होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल शेप हमने भी इसका देखा, अब इसमें भी देख सकते हैं। ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक वाई अनपेड इलेक्ट्रॉन वाई द परमैग्नेट इज डायमैग्नेटिक, जहाँ मैग्नेट के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, परमैग्नेट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 हो चुकी है, उसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह खाली हो चुका है, इसलिए उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होने से वो डायमैग्नेटिक नेचर का है। एक और चीज़ है जो डिस्कस की थी जो यहाँ पर नहीं बोली गई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7 है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है, और हमने पढ़ा था जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 होता है उनमें कलर नहीं होता, तो इसमें एक फिनोमिना काम करता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जिससे कारण कलरफुल होता है। द पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल, यहाँ एक डी पाई पी पाई बॉन्डिंग का जिक्र किया गया है कि मैंगनीज के पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल है जो कि MT है और इसके पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो P πD π होती है, क्योंकि एक का जहाँ पी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, दूसरे का डी ऑर्बिटल जो है वो यहाँ बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज ऑक्सलेट टू कार्बन डाइऑक्साइड आयरन टू फेरस टू फेरिक नाइट्राइड टू नाइट्रेट आयोडीन टू आयोडाइड टू फ्री आयोडाइड, जिस तरह पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है वैसे ये भी करता है, वो जिन रिड्यूसिंग एजेंट के साथ काम कर सकता है वो यहाँ भी है, जैसे हमने वहाँ आयोडाइड आयन देखी थी, याद करें तो आयोडोमेट्री कहते हैं उसे, तो आयोडाइड आयन जो है वो जिस तरह वहाँ आयोडीन में चेंज हो गई थी वैसे ही यहाँ भी अगर हम आयोडाइड यूज़ करेंगे तो वो आयोडीन में चेंज हो जाएगी, अगर हमने वहाँ फेरस यूज़ की थी तो फेरिक में चेंज हो रही थी तो यहाँ भी फेरस फेरिक में चेंज हो जाएगी, या कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट का जिक्र है जैसे ऑक्सलेट आयन, ये भी हमने अपनी स्टडी में देखी थी जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाती है, और यहाँ पे नाइट्राइड
आयन यूज़ की है, जिसमें फिलहाल जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक कर सकते हैं इतने, वो 5 में चेंज हो जाएगी, वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट से नाइट्रेट आयन बना देगी। यहाँ पर फुल रिएक्शन, ये जो हाफ रिएक्शन दी है, और जिस तरह मैंने आप लोगों को भी सिखाया कि कैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और रिड्यूसिंग पार्ट को लेके फुल रिएक्शन बनाई जा सकती है, वैसे ही यहाँ पे भी कहा है कि हम बैलेंसिंग करके, वैसे ही जो तरीका वहाँ अपनाया था एग्जैक्टली आप वो यहाँ भी अपना सकते हैं, और वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन बना सकते हैं, और इससे पहले भी हमने तरीके देखे थे, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएटिंग नेचर बताया गया है कि जो MnO4 है, परमैंगनेट आयन, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, तब जहाँ हमारी डाइक्रोमेट आयन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर रही थी, इसके साथ ऐसा नहीं है, आप इसमें अलग अलग मीडियम ले सकते हैं, लाइक यू कैन टेक एसिडिक मीडियम, वी कैन टेक डाइल्यूट बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, या फिर हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम का यूज भी कर सकते हैं। तीनों ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, बस तीनों मीडियम में बनने वाले प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। लाइक इसमें ये +2 में चेंज होता है, MnSO4 बनता है एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, और सल्फ्यूरिक एसिड जनरली यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड अवॉइड करें क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और HCl ना यूज़ करें क्योंकि वो क्लोरीन बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो यहाँ +7 से +2 में चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता नजर आता है, इसलिए यहाँ इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 5। यहाँ पे अगर डाइल्यूट बेसिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम की बात करें तो वो MnO2 बनाता है, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो +7 है उससे +4 में चेंज हो रही है, मतलब वैलेंसी फैक्टर 3 है, इसलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये +7 से MnO4 2 नेगेटिव, मतलब मैंगनेट आयन बनाता है, +6, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ 1 होता है। तीनों मीडियम दिए हुए हैं, एक जगह वो बना रहा है, पहला मीडियम जो है ऑब्वियसली बता रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक दिया गया है, दूसरे में हाइड्रोजन के रेफरेंस से बैलेंसिंग है, भले ही आपको प्रोटॉन दिया गया है, पर दूसरा जो मीडियम होता है वो डाइल्यूट बेसिक या न्यूट्रल का केस है, और तीसरा वाला जो है एसिडिक का केस है। वी कैन वेरी वेल सी दैट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन्फ्लुएंसिंग द रिएक्शन, हमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बेसिक में कम एसिडिक में ज़्यादा, और वो क्या बनेगा उस पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑल्दो मेनी रिएक्शन कैन बी अंडरस्टैंड बाय कंसीडरिंग द रेडॉक्स पोटेंशियल, रिएक्शन होना या नहीं होना रेडॉक्स पोटेंशियल से पता पड़ जाता है, अगर हम इसमें बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली इसका RP ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए, बट द काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, होना या नहीं होना बात अलग है, पर यह कहा गया जल्दी होगा या धीरे होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। परमैंगनेट एट H+1, मतलब बहुत कम एसिडिक हो तो पानी को ऑक्सीडाइज तो करेगा पर स्पीड बहुत ज़्यादा कम होगी, इसलिए उस वक्त टेम्परेचर इससे ज़्यादा लगेगा, मतलब इस प्रोसेस में उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होने से प्रोसेस की स्पीड कम हो जाती है, तो हम टेम्परेचर बढ़ा के इस प्रोसेस की स्पीड बढ़ा सकते हैं। कुछ रिएक्शन दिए हैं बैलेंसिंग के साथ में, एक आयोडाइड के साथ में, एक फेरस आयन के साथ में, आयोडाइड में ये आयोडीन में चेंज हो रहा है जैसे हम देखते हैं, फेरस में ये फेरिक में चेंज हो रहा है, नेक्स्ट ऑक्सलेट CO2 में, H2S में, सल्फाइड सल्फेट में, और नाइट्राइड नाइट्रेट में। अगेन एक बैलेंसिंग और करके देख लेते हैं हम कि किस तरह यहाँ बैलेंसिंग की जा सकती है, इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल देख सकते हैं। रेडॉक्स में जहाँ पर सारे दोनों तरीकों से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन एक्सचेंज मेथड से बैलेंसिंग सिखाई जाती है, पहले अगर हम आयोडाइड के साथ ट्राई करें तो आयोडाइड हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है यहाँ पर आयोडोमेट्री, इसके अलावा हम ले रहे हैं MnO4 नेगेटिव जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हमने मीडियम रखा है एसिडिक टच पॉजिटिव आएगा, आयोडाइड जो है वो आयोडीन में चेंज होता है, MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में Mn+2 में चेंज होता है, और अब हमें आगे रिएक्शन कंप्लीट करनी है। अगर वहाँ दो आयोडीन है तो यहाँ दो आयोडाइड आयन होना ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, +7 से +2 हो रही है तो 5 का फर्क है। यहाँ बात करें तो एक आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0, एक का फर्क है, मगर यहाँ एक के लिए एक का फर्क है, दो एटम के लिए दो का फर्क है, फिर वही बात आ रही है कि यहाँ पर मैग्नेट आयन 5 इलेक्ट्रॉन गेन करते दिख रही है जबकि ये 2 ही दे रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, दोनों नंबर बराबर करने पड़ेंगे, और मैंने कहा था एक तरफ ऑड और एक तरफ इवन हो तो क्रिस क्रॉस करके बराबर कर सकते हैं, मतलब नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही केस हो गया है जैसे पहले पढ़ा था, तो ये दोनों 10 हो जाएंगे,
ये जो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में जाती है ये स्टाइशोमेट्री में जाती है, तो इसके स्टाइशोमेट्री में 2 जाएगा और इसके स्टाइशोमेट्री में 5 जाएगा। तो अगर इसके फर्स्ट डिमेंशन में 5 जाएगा तो ये 2 से 10 हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी 10 हो गए और ये वहाँ पे भी ये 10 हो गए। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए रह गई, तो आपके पास 8 ऑक्सीजन है, 8 मतलब यहाँ पर आपको 16 एच पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल। ये तरीके अपनाकर इस तरीके से आप किसी भी 2 रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जोड़कर कंप्लीट रिएक्शन बना सकते हैं। या नीचे न्यूट्रल मीडियम के कुछ रिएक्शन दिए, देख लीजिए न्यूट्रल मीडियम और डाइल्यूट बेसिक का प्रोडक्ट होता है MnO2, प्रोडक्ट सेम है, आयोडाइड को छोड़ दें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसमें सेम तरह का बिहेवियर देखने के लिए मिलता है। या हम देख रहे हैं कि हमने वो लिए थायो सल्फेट आयन जो सल्फेट आयन बनाती है, आयोडाइड आयन, अंडरलाइन कीजिए कि एसिडिक मीडियम में आयोडाइड आयन जहाँ आयोडीड बनाती है, वही न्यूट्रल मीडियम में आयोडाइड आयन, उन्होंने वो जिक्र कर दिए जिनके प्रोडक्ट में चेंज है, आयोडाइड आयन आयोडेट आयन बनाती है, दैट इज IO3 नेगेटिव। थायोसल्फेट आयन S2O3 जो जनरली टेट्राथायोनेट बनाती है S4O8, यहाँ पर जो है वो बना रही है SO4 सल्फेट आयन बना रही है। और मैंगनीज हमने देखा था ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाता है MnO2 में। परमानेंट टाइट्रेशन इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अनसेटिस्फैक्ट्री सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। बिसाइड्स यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज इन एज अ फेवरेट ऑक्सीडेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट्स यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ वुल, कॉटन, सिल्क इन अनदर टेक्सटाइल फाइबर्स एंड फॉर द डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल एंड ऑल्सो यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ज़्यादा फेमस तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ही है, पर इसे ब्लीचिंग एक्शन के लिए भी, कलर हटाने के लिए ऑयल या कॉटन या वुल की यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है और ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के कारण ये कई जगह यूज़ भी होता है।